ये सिर्फ एपीएस से मार खा रही This is Abdul Rahman from SSG Mobile. So guys, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हाल ही में रिव्यू किया था OnePlus Note N100 के रिलेटेड, और उसमें मैंने आपको साथ साथ कहा था कि मैं आने वाली मजीद वीडियो में इसका PUBG रिव्यू भी लेकर आऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो आज की जो वीडियो वो इसी के PUBG रिव्यू के ऊपर होने वाली है, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं इसका PUBG टेस्ट करने वाला हूँ। इस पर PUBG प्ले करके देखेंगे PUBG के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो PUBG मैंने इसमें डाउनलोड की हुई है, हर सेटअप कंप्लीट किया हुआ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले जो है वो मैं आपको इसके ग्राफिक दिखा देता हूं जो एक नॉर्मल डिवाइस हमें प्रोवाइड कर रही होती है। भाई स्मूथ के साथ हाई के साथ ग्राफिक देखने को मिले, बैलेंस के साथ मीडियम, एचडी का ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलता, स्मूथ के साथ हाई का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा सेंसिटिव में आ जाते हैं, जायरो ऑलवेज का ऑप्शन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। यूजुअली जैसे हम यूज करते हैं पहले एक टीडीएम का मैच, ठीक है, हम टीडीएम इसमें प्ले करके देखते हैं टीडीएम के हिसाब से डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं भाई, ड्यूल स्पीकर की स्पोर्ट देखने को मिलती है, अप साइड पे भी स्पीकर देखने को मिलता है, डाउन साइड पे भी स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि इसकी स्पीकर की क्वालिटी भाई साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अपग्रेड करता है। बरक गेम प्ले हो रही है, नेट मेरा थोड़ा सा इशू कर रहा है, जैसे कि आपको पता है ओवरऑल पाकिस्तान में इस टाइम नेट का इशू बहुत चल रहा है भाई। बहरहाल आप लोग भी गुजारा करना, मैं भी गुजारा करूंगा इंशाल्लाह। मेन जो चीजें हैं वो आपके साथ में हाईलाइट जो मेन पॉइंट होंगे वो क्लियर लाजमी से करूंगा। तो भाई देख लेना, हो जा पिल्ले पिल्ले, हो जा हो जा हो जा। तो गेम हो चुकी है प्ले, जायरो वाइज परफॉर्मेंस करें तो जायरो में कोई डिले नहीं देखने को मिलता। इस डिवाइस में जो कमी है ना, वो कमी है इसमें सिर्फ जो है ना, क्या नाम है, FPS फ्रेम रेट। इस डिवाइस की परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ ना, परफॉर्मेंस बहुत प्यारी है। इस डिवाइस में जिस चीज़ की कमी है ना, वो है इस डिवाइस के FPS थोड़े से अच्छे होते हैं ना इसमें, यानी कि अल्ट्रा ग्राफिक तक जा रही होती तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये डिवाइस हमें। ये सिर्फ FPS से मार खा रही है, बाकी जायरो हार्डवेयर जो परफॉर्मेंस है ना इसकी भाई बहुत कमाल की है। जायरो परफॉर्मेंस बहुत आला है इसकी, किसी किस्म का डिले नहीं है जायरो में। परफॉर्मेंस डिवाइस की आपके सामने है, परफॉर्मेंस वाइज तो डिवाइस बहुत आला है, बस एंड दी एंड में वो यही कहूँगा इसमें थोड़ा सा ना FPS अपग्रेड हो जाते हैं ना, मज़ा आ जाना था भाई इस जैसी डिवाइस और इस रेंज में 25,000 में भाई इतनी हैवी किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है आपको, कमाल है यार। जायरो पर्सनली इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है।
जायरो वाइज तो पर्सनली डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई है, जायरो में कोई डिले नहीं है। कैंपरों की ना यहाँ पे बेतहाशा है भाई, गेम कोई भी खेलो कैंपर नहीं मरता। ये देख किल फिर भी निकाले और मेरे टीममेट के किलों का अंदाजा निकालो भाई, कदम निकाले 14 और कहाँ 3 पे खड़े हैं। बहरहाल जो भी इस डिवाइस का गेम प्ले आपने देख लिया, गेम प्ले भाई लेवल था, बहुत ही अच्छी गेम प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिली है। मेन जो प्रॉब्लम इसमें हमें फेस हुई है ना, वो सिर्फ हुई है कि इसमें जो FPS है ना वो थोड़े से अपग्रेड होते, यानी कि अल्ट्रा तक जा रहे होते, 40 FPS आ रहे होते, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस की निकल के आ जाती। पर इस रेंज में इस कदर डिवाइस, अक्सर डिवाइस तो भाई आप 30 की रेंज में भी चले जाए ना तो आपको इस तरह का जायरो नहीं इसमें देखने को मिलता। जायरो में डिले इतना ज़्यादा होता है भाई, इसमें जायरो परफॉर्मेंस बहुत कमाल की यहाँ पर मुझे लगी है। जायरो हार्डवेयर बेस्ड बहुत अच्छा जायरो चला है, किसी किस्म की डिले नहीं। अगर आप नॉर्मल मिड रेंज में एक सिंपल यूज के लिए डिवाइस लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये डिवाइस बेस्ट रहेगी, क्योंकि गेमिंग भी है, कैमरा भी है, मेमोरी एंड रैम भी है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, कोई लैग इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी FPS का जो इशू है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा। बहरहाल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, वक्त तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा रखना ख्याल, अल्लाह निगहबान।